7 सितंबर हम स्टार्ट करें सीक्वेंस एंड सीरीज। और सितंबर में किसके एग्जाम्स हैं? सर मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं सितंबर से। युवराज, ओके युवराज, सिलेबस सर सिलेबस मैं निष्कर्ष सर को भेज दूंगा, बाकी 1 मिनट 2 से मेरे पास पड़ा होता है। युवराज वॉइस आपकी कम आ रही थी सर, 1 मिनट मेरे पास पड़ा होता है, मैं आपको बताता हूं। मुझे चैट बॉक्स पे दे दीजिएगा, ठीक। और इतने बच्चों के एग्जाम्स हैं जिनका अभी सिलेबस हमने अभी नहीं किया है, तो मेरे एग्जाम्स हैं। आसिया, ओके, कब आसिया कब एग्जाम? 11 सितंबर से। और बचे सिलेबस सर, फर्स्ट 3 चैप्टर्स और सीक्वेंस एंड सीरीज। Those three and sequence and series. So, yes, sir. कब बताया आपने? 11th. Yes, sir. So 11th is started with maths का एक दो दिन बाद होगा. Okay, so first three, तो first set से हम कर रहे हैं. Relation तो आपने किया है complete? Yes, sir. से sets भी कर लिया उसे video lecture से. अच्छा अच्छा अच्छा. वैसे sets करवा देंगे next week तो हो जाना चाहिए. सर मेरे भी शुरू हो रहे हैं 20th of September से. हाँ, तो मानस आपका एक दिन हो गया होगा उसमें से। यस सर, खाली एक चैप्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। कब से एग्जाम्स? 20th ऑफ सितंबर करेंगे, ठीक है, हो जाएगा तब तक। तो बट ये कि बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है कल से, हम 7 AM मॉर्निंग मंडे सबको आना है, ठीक। आपकी वजह से कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास ताकि जल्दी हो जाए हमारा कम्प्लीट। हाँ कसवर, मुझे पता है, ठीक है, आपका पूरा फोकस है, मुझे डेट जरूर बताइएगा कसवर, तो कल आइए ताकि हम सिलेबस जल्दी से शुरू कंप्लीट करें। ओके सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जैसे हम नॉर्मली इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जो मीनिंग है सीक्वेंस का एग्जैक्टली सेम है मैथ्स में। अगर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट सीक्वेंस में, तो इसका मतलब उसमें एक फर्स्ट मेंबर होगा, एक सेकेंड होगा, थर्ड होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो सेम हमारा मीनिंग हो जाता है मैथ्स में भी। अगर हम कहते हैं हमारी टर्म सीक्वेंस में फर्स्ट होगी, सेकेंड होगी, रिलेशन होगा टर्म्स के बीच में। सो लेकिन हमें एक डेफिनेशन तो चाहिए होती है, सो राइट अ डेफिनेशन। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ठीक है, रियल सीक्वेंस कर देते हैं इसको, रियल सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन विद डोमेन, विद डोमेन एन एंड द रेंज, and the range, and the range a subset of the set R, subset of the set R, ठीक। तो सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है, रेंज रियल नंबर का सबसेट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव द सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू एन प्लस टू, ठीक है। सो ये एक सीक्वेंस है। अब एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन वो क्या पूछ लेगा, क्या कहेगा फाइंड a1 कितना आ जाएगा, 1 + 2 = 3। उसने कहा फाइंड a2, इन प्लेस ऑफ n वी विल पुट 2 + 2 = 4। सो इसमें बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन करते हैं देन वी विल प्रोसीड टू ab, ठीक। राइट फर्स्ट फाइव, write first 5 terms of the sequence, of the sequence an is equal to n by n square plus 1, okay, write the first 5 terms of the sequence. Write the first 5 term of the sequence. हमें क्या करना है, इन प्लेस ऑफ एन वी हैव टू पुट 1, तो आ गया 1/2, बिल्कुल ठीक है। किस पर a2 फाइंड करना है, बिल्कुल ठीक है, 2/5, a3 फाइंड करना है, 3/10, a4 फाइंड करना है, 4/17,
ओके फाइव अगर फाइंड करना है 5 by 26 ठीक है, ये आंसर सबका आ गया तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सर ये 1, 2, 5 तक क्यों पुट किया आपने वैल्यू? रशद प्लीज रीड द क्वेश्चन। फाइंड द, अच्छा फर्स्ट 5 टर्म्स ओके। इसमें तो कुछ नहीं है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज बस यही है आपको टर्म्स फाइंड करनी है। किसी बच्चे को डाउट है इसमें? और मेरी वॉइस में अगर इश्यू आ रहा हो तो प्लीज बता दीजिए। किसी बच्चे को डाउट है? आसिया बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है। और सब आसिया, अब्दुल, अनुभव, जानवी, मानस, अबशिरा, रशाद, शाकिर, कस्पर, यश, शुभराज, सर आ गया आंसर, आंसर आ गया, सर आ गया आंसर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसमें हमें और ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करें। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Write the definition. It is a sequence in which the difference between the terms, the difference of a term and its previous term is always same. ठीक है, दैट इज ए एन माइनस, ये एक टर्म होगी, इससे पहली टर्म कौन सी होगी? ए एन माइनस वन विच इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। ऑलवेज सेम का मतलब ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेरी नहीं करेगा। So, an minus one is a constant. So, ये minus one नहीं हो जाएगा इस तरह? कहाँ पे? So, an minus one तो an से an cancel हो जाएगा। This is an minus one. Is a constant for all n belongs to natural number. रशाद clear हुआ? So, cancel तो अभी भी हो जाएगा। रशद ये ना ऐसे a है n है माइनस a n माइनस वन, अच्छा सर n माइनस वन, अच्छा अच्छा ओके युवराज, ठीक है। और इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ap क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से हम समझते हैं ना, उससे थोड़ा सिंपल होता है समझना। वी हैव दिस 2, 4, 6, 8, 10। So, अगर हम 4 माइनस 2 करते हैं, देखिए 4 और उससे पहले जो टर्म थी, then we get 2. 6 माइनस 4 अगर हम करते हैं, this is equal to 2. 8 माइनस 6 करते हैं, is equal to 2. 10 माइनस अगर 8 करते हैं, we will get 2. तो देखिए, अगर हम टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें, then we are getting a constant. ये constant है. So, that's why this sequence is called the AP. तो AP क्या होता है? Common difference same रहता है. हम किसी भी टर्म का को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इस टाइप के सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किस बच्चे को डाउट है इसमें? एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसको डी से डिनोट कर देते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलिए बच्चे इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। सर 9 के 9 चैप्टर भेज दिए जी बच्चे, सर 9 चैप्टर आ रहे थे वो सारे भेज दिए। अच्छा, अब इसमें हमारा परम्यूटेशन रह गया, सीक्वेंस हम कर रहे हैं,
युवराज और एग्जाम कब है, डेट क्या थी मुझे याद नहीं, एग्जाम की डेट भी सेंड कर दीजिए सर, एक मिनट सर कंफर्म करके बता। चलिए फिर बाद में कर लीजिएगा, ठीक है युवराज, अभी इस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द सीक्वेंस, शो दैट द सीक्वेंस, defined by an is equal to 4n plus 5 is an AP. Also find the common difference. Show that this sequence defined by is an AP. Also find the common difference. Thank you, bachche. Hamesha in AP, any term or uske jo next term hai, dono ke jo difference hota hai, that's a constant. To common difference hum jo find karenge, hum kya karein? An hai hamare paas. Ab isse ek back term bhi hum le sakte hain, ya phir next bhi le sakte hain. That is your choice. An plus one le lete hain, kyunki negative mein hame thodi si problem ho jati hai. To hum ye kar lete hain. 4n plus 1 plus 5. कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा ए एन प्लस वन माइनस ए एन, सो डी जो आ जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू फोर एन प्लस नाइन माइनस फोर एन प्लस फाइव, सो दिस इज इक्वल टू 4n plus 9 minus 4n minus 5, so this is equal to 4. So common difference is 4. अब वैसे नहीं करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, सेकंड करते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं, वो नहीं करना क्योंकि समटाइम्स वो ए पी नहीं होता है। तो अगर हम इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारे पास कॉन्स्टेंट आ रहा है, देन वी विल से दैट दिस इज अ ए पी। इसके साथ कोई वेरिएबल आ जाएगा तो ए पी नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। क्लियर हुआ? तो कॉमन डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है, वी विल फाइंड n plus 1, an plus 1, an हम फाइंड करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस। किस बच्चे को डाउट है अभी इसमें? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। ऋषभ, कॉमन डिफरेंस जो हमें फाइंड करना है, हम करते हैं ऐसे, पहले हमने an plus 1 फाइंड किया, उसमें से an को सबट्रैक्ट कर दिया, अगर आंसर कॉन्स्टेंट आता है तो हम कहते हैं कि दिस इज ए पी। अगर कॉन्स्टेंट नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल विशाद हमारे पास ये आ जाता 4n, तो ये हमारा ए पी नहीं होता क्योंकि कॉमन डिफरेंस अब कॉन्स्टेंट नहीं है। अब देखिए वो चेंज हो जाएगा, हर टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस चेंज होगा। सर ए एन प्लस वन क्यों फाइंड किया? हाँ, ए एन प्लस वन हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमने क्या करा कि एक ये हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, हमें अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है ऋषभ, कैसे करेंगे? 10 माइनस 8, यस सर, ये 8 माइनस 6, तो हमने क्या करा, एक नेक्स्ट टर्म फाइंड करी हमने, सपोज उसको n प्लस 1 का, ये हमने n ले लिया, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, ओके सर, हम कोई भी एक टर्म लेते हैं उससे एक नेक्स्ट टर्म आगे फाइंड करते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सर अगर हम डायरेक्ट n की वैल्यू रख के AP निकालते फिर कॉमन डिफरेंस निकालते तो? सपोज अगर ये AP नहीं होता तो कॉमन डिफरेंस तो आपका आ जाता आपके अकॉर्डिंग, बट वो करेक्ट नहीं होता। चलिए अभी देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका डाउट वहां से क्लियर करते हैं। बच्चे नोट के लिए सबने रब कर दें, ये राइट दिस क्वेश्चन। सर नोट नहीं करा था। नोट नहीं किया? चलिए आपका डाउट बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ओके सर, डन सर, एक सेकंड सर। हो गया सर, सो हो गया, ठीक ठीक, check whether the sequence
whether the sequence an is equal to 2n squared plus 1 is an AP or not. If it is an AP, then find the common difference. Then find the common difference. मुबशिर है, इसमें आप अपना मेथड यूज कीजिएगा, ठीक है? अनुभव आपका आंसर, फिर हम देखेंगे कि आपके मेथड में क्या इशू आता है। आप मुझे बताइए, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? ठीक है कस्पल, और सबके आंसर्स, और सबके आंसर्स प्लीज बताइए। सर ये सेम नहीं आ रहे कॉमन डिफरेंस, है ना? सेम नहीं आ रहा ना? अब ओ सर, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फाइंड करते, सबट्रैक्ट कर देते। तो सर जब हम पहले करते थे तब तो आ जाता था। अच्छा पहले वो एपी था, एपी है नहीं इसलिए नहीं आ रहा। क्लियर हुआ? अच्छा ओके सर, ओके। अगर हमें चेक करना है कि AP है या नहीं, and we have to calculate n plus 1, ये था 2n plus 1 का square, plus 1 is equal to 2n square plus 1 plus 2n plus 1, so this is equal to 2n square plus 2 plus 4n plus 1, so this is 2n square plus 4n plus 3, अब हमारे पास है an which is equal to 2n स्क्वायर प्लस वन, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए एन प्लस वन माइनस, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, टू एन कैंसिल, फोर एन प्लस टू आ गया। अब देखिए ये कांस्टेंट नहीं आ रहा, दिस कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, एन आ रहा है यहाँ पे, इसलिए ये ए पी नहीं होगा, क्योंकि आप एन की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो इसके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ ए पी। क्लियर हुआ? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? किसी बच्चे को डाउट है? नहीं सर, ये 4n plus 2 आया तो ये कैसे पता लगा कि ये कॉमन डिफरेंस सी, मतलब ये AP नहीं है? ये AP नहीं है, मैंने कहा ना कि अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड यू गेट अ कांस्टेंट, सिर्फ अगर कांस्टेंट आता है तो AP होता है। ओके ओके सर, देखिए कांस्टेंट आने का मतलब क्या है रशाद, उसको समझिए। कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टर्म्स को एक फिक्स वैल्यू आ रही है। यस सर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 4 ही था, यहाँ n है। अब जैसे आपने n1 पुट किया, इसका मतलब यहाँ पुट कीजिए, a2 माइनस a1 कितना आ गया? 6। 2 पुट कीजिए, a3 माइनस a2, 3 पुट किया तो 12 प्लस 2 14। यानी जब फर्स्ट और सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आया ऋषभ, सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया तो 14 आया। ऋषभ क्लियर वो? यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिर। Next is general term of an AP. Next is general term. General term of an AP. ठीक है, general term find करते हैं। General term होती है हमारे पास। अच्छा general term का मतलब क्या है? पहले तो वो देखते हैं। So general term is an is equal to, ये आपने tens में किया है, ठीक है, a plus n minus 1 into t, where a is the first term, d is the common difference, and n is the number of terms. ठीक है, जनरल टर्म ये हो जाएगी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म।
अब देखिए सपोज हमारे पास ये के पी है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. सो अगर हमें सपोज फाइंड करनी है 20th टर्म, अगर हमें फाइंड करना है 20th टर्म, तो हम कंप्लीट एपी नहीं लिखेंगे. वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एपी. 20th अगर फाइंड करना है तो A20 इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी. A कितना है 2, कितना है 19, और D कितना है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये 40. सो दिस इज इक्वल टू 40. ये आप 10th में करते थे, याद आ गया सबको? यस सर. ठीक है, तो बच्चे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Try first on finding the indicated term of an AP. The first question is show that the sequence is an AP. Find the 16th term. Find the 16th term of the AP 9, 12, 15, 18, and so on. उसके बाद also find its general term. सिक्सटीन टर्म फाइंड कीजिए, जनरल टर्म फाइंड कीजिए. सर 16 टर्म हो गई 54. रिशाद बिल्कुल ठीक है आंसर, 16 टर्म इज. बिल्कुल ठीक. एंड जनरल टर्म आंसर 54 है सबका, बिल्कुल ठीक है. जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म क्या होगी फिर? सर सेंड करा है. ओके बिल्कुल ठीक कर दिया सर. जनरल टर्म इज 3n + 6. किसको डाउट है टू फाइंड द जनरल टर्म? सर कैसे निकाले जनरल टर्म? सर कैसे? अच्छा देखिए, जनरल टर्म का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ n सिर्फ n ही आप पुट करेंगे. ठीक है, जनरल टर्म का मतलब होगा 3n + 6 आ रही है जनरल. 3n + 6 बिल्कुल ठीक है. और शाकिर मैं देख रहा हूँ आपका मैसेज. नहीं शाकिर आपके, हाँ मिल गया था. ठीक है, सो वी हैव दिस फॉर्मूला दैट an is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 12 माइनस 9. This is equal to 3. So an is equal to 3 plus n minus 1. Sorry. An is equal to 9 plus n minus 1 into 3. So this is equal to 9 plus 3n minus 3, which is equal to 3n plus 6. This is the answer. 3n plus 6 is the answer. So this is a general term. Clear, Varusha? Oh, yes, sir. Yes. ठीक है, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट नेक्स्ट सर, एक सेकंड सर, वो स्लाइड दिखा दीजिए दूसरे वाले.
ओके सर डन चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शो दैट द सीक्वेंस which term of the sequence which term of the sequence which term of the sequence 72 70 68 66 and so on is 40 strikes आंसर इज बिल्कुल ठीक है हस्पल ठीक है माइनस बिल्कुल करेक्ट है आंसर आसिया ठीक है शाकिर बिल्कुल माइनस 15 नहीं बच्चे एन फाइंड करना है विच टर्म सो टर्म कैन नेवर बी नेगेटिव हमेशा याद रखिए अगर नेगेटिव आता है इट्स मीन आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं n can't be negative number of term negative nahi ho sakti na first hogi second hogi third hogi fourth negative to nahi hogi sir hamara bhi minus 15 aa raha hai aisa to nahi ho sakta n negative nahi hoga agar exam mein aata hai then again check your calculation so in this case bache hamara jo a hai a is equal to 72 d kitna hai 70 minus 2 72, which is equal to yes sir मैंने यही गलत करा मैंने d को positive 2 ले लिया था अच्छा अच्छा ठीक है always next term with previous term so d आ गया a n कितना है a n is 40 a n होता क्या है a n is equal to a plus n minus 1 into d now put all the values a n कितना sir 17 है बिल्कुल ठीक है 17 is the answer n minus 1 into d is what minus 2 so this is 40 is equal to 72 minus 2n plus 2 kitna ho jayega 40 is equal to yoga 74 minus 2n 2n ho jayega is equal to 74 minus 40 so 2n ho jayega this is equal to 34 so n is equal to 17 This is the answer. ठीक है किसी बच्चे को डाउट है अब्दुल प्लीज करेक्शन कीजिए रशाद क्लियर हुआ जानवी और आसिया बशरा अच्छा क्लियर हुआ सबको यस सर फ्रैक्शन गलत नहीं हुई सॉरी सर नहीं सर कुछ नहीं सही है रशाद वॉइस नहीं आ रही नहीं सर कुछ नहीं कुछ ठीक ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 49 14 19 is 124 which term of the sequence is 124 please check it your pen and answer शाकिर बिल्कुल ठीक है 25 बिल्कुल ठीक है मानस ठीक है रिशाद ठीक है आसिया बिल्कुल करेक्ट 25 25 इज आंसर बिल्कुल ठीक है
ठीक है अब्दुल, और सबके आंसर्स, युवराज, युवराज व्हाट्स द आंसर, यश व्हाट्स द आंसर, ठीक है युवराज क्या होगा आंसर, ठीक है नामिया, सर किस पे भेजना रहता है आंसर, हमने ही भेज दिया है, हमें भेज दिया, सॉरी मुझे मिल गया, तो नाम मैंने मिस कर दिया, बिल्कुल ठीक, नाउ नेक्स्ट, ठीक है तो हमेशा याद रखिएगा कि एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, सो नेगेटिव नहीं होगी और रैशनल नंबर नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं आएगा नंबर ऑफ टर्म्स में, है ना, हम ये नहीं कह सकते हमारी जो टर्म है 2.5th टर्म ऐसी कुछ है, तो नेगेटिव रैशनल ये सब नहीं आएंगे, सो ऑन दैट देयर इज अ क्वेश्चन, सर पिछले क्वेश्चन में n 25 था, जी 25 युवराज is 184 a term of the sequence, a term of the sequence three comma seven comma 11 and so on. Check it, 184 is ki term hai. हस्पल अब्दुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है शाकिर, मानस बिल्कुल ठीक है, ठीक है आसिया, रशाद कौन सी टर्म है ये 184, रशाद कौन सी टर्म है, अच्छा 735 नहीं रशाद, इतनी तो 184 तो उससे भी कम हो गया ना, ऐसा हो सकता है, देखिए सेकंड टर्म 7 है, ऐसा नहीं होगा, यूज करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, सो an क्या है हमारा 184, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इनटू d इज व्हाट 7 माइनस 3 4 हो गया, कर दीजिए इसको कितना हुआ 181 is equal to 4 into n minus 1, इसको भी शिफ्ट कर दीजिए, n कितना हो गया 181 by 4 plus 1, तो कितना हो जाएगा n is equal to 185 by 4, ठीक है which is not possible, रशद के लिए हुआ n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, hence 184 is not the term of the sequence, ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चे प्लीज बताइए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सर n 0 हो सकता है, n किसका क्वेश्चन है ये, सर यश, ओके यश आप बताइए मुझे आपका गेस क्या है, यश मैंने जब एपी के डेफिनेशन लिखी है ना, आई थिंक वहां डिफाइन किया था n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, 0 तो कोई टर्म नहीं होती, A1, A2, A3 ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म से पहले तो कोई टर्म आती नहीं है, तो जीरो कोई टर्म नहीं हो सकता, ठीक, n is always a natural number, which term of the sequence, सर बट वहां पे जब हमने डेफिनेशन लिखी है तो वहां पर लिखा है कि an minus 1, so अगर सर हम n की वैल्यू 1 लें तो सर A0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा ओके हां ये करेक्ट है, बच्चे उसमें ना एक करेक्शन कीजिए, बच्चे हमने जो डेफिनेशन की थी उसमें प्लीज ये कर दीजिए an plus 1, वरना वहाँ एक कैटेगरी लेनी होगी, तो उससे बेटर है हम उसको चेंज कर देते हैं, d हम ये ले लेते हैं an plus 1 minus an, n belongs to any natural number, ठीक है, और अगर उसी को लेना है तो हमें थोड़ा सा लिमिट कर देनी होगी क्वेश्चन को, कि n की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होगी, तो वहाँ आ जाएगा,
बच्चे डेफिनेशन में प्लीज ये कर लीजिए, एन माइनस वन हटा दीजिए, ये कर लीजिए डी इज इक्वल टू ए एन प्लस वन माइनस ए, ठीक है, वरना ये कन्फ्यूजन रहेगी कि जीरो भी टर्म तो आ रही है. सो प्लीज राइट दिस ए एन प्लस वन माइनस वन, हमने ये लिखा था ना ए एन माइनस वन, सो इसको रिमूव इसको हटा दीजिए, राइट दिस ए एन प्लस वन माइनस वन. यस ठीक है, यस सर ठीक है, ठीक है ओके थैंक्स. Which term of the sequence 20, comma 19 1 by 4, ठीक है ये मिक्स फ्रैक्शन है, 18 1 by 2, 17 3 by 4 is the first negative term. Is the first negative term. Which term of the sequence is the first negative term? Please check it. Which is a false negative term. नहीं युवराज ऐसा तो नहीं हो सकता. 28 term. अगर हम उसकी powers देखें तो जब ये आगे जाएगा तो ये raised power 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, तो कोई भी चीज raised to power 2 तो negative हो नहीं सकती ना. युवराज ये जो है ना continuously देखिए decrease कर रहा है. पहले 20 था, अब 19 1 by 4 हो गया, 18 हो गया, तो ये continuously decrease कर रहा है, इसका मतलब ये negative तो होगा. सर मेरा मतलब ये था जैसे अगर suppose इसमें अगली term जो होती है वो 16 raised to power 1 हो जाती है, फिर उसके बाद जाते जाते वो term हमारी 12 raised to power 2 हो जाती है, तो ऐसे सर जब raised to power 2 हो गया तो कोई भी term एक मिनट, अच्छा सर सॉरी raised to power 3 में हो सकता है. शायद मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है, देयर इज अ मिक्स फ्रैक्शन, 19 टू द पावर नहीं है, ये मिक्स फ्रैक्शन है. प्रशांत ओके सर समझ गया, देयर इज अ मिक्स फ्रैक्शन, तो उसको पहले आप कन्वर्ट कीजिए, डी कैलकुलेट कीजिए, देन फाइंड द आंसर. सर मेरे को लगा वो पावर्स थी, मैं सोच रहा था पावर्स कैसे रियलाइज हुआ, देयर इज अ मिक्स फ्रैक्शन. ओके कस्पर बिल्कुल ठीक है, प्रशांत बिल्कुल ठीक है, और सर प्लीज बताइए आंसर्स. शाकिर बिल्कुल ठीक है आंसर, आंसर इज करेक्ट. नहीं यश सर 23/3 नहीं बच्चे, आंसर इज 28. हमारा आंसर नहीं आ रहा. बिल्कुल ठीक है, n is greater than 27 बिल्कुल करेक्ट आंसर, सो 28 बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसने फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा था. गुड यश आंसर इज 28. किस बच्चे को समझ में नहीं आया, किसको अभी सॉल्व नहीं हुआ? सर मेरा तो 23/3
सर मेरा -1/4। आसिया आंसर आ गया। अच्छा कर रही हूँ अभी। ऐसे आपकी वॉइस नहीं आई मुझे। तो मैं भी कर रही हूँ। तो मेरी वॉइस आ रही है अब। प्रशांत का तो आ गया। Am I audible? यश कोई डाउट है? यश? नो सर। ओके अब्दुल बिल्कुल ठीक है जी। आसिया आप ऑडिबल नहीं थी, अब ट्राई करेंगे। सर अब आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है आपकी। ओके सर, एनआरएल लेस देन 37 डिवाइड बाय 57। लेस देन और ग्रेटर देन आना चाहिए, अभी देखते हैं। और जानवी, जानवी हो गया था ग्रेटर देन? एक मिनट बस। अच्छा ठीक है। मुबशिरा and Namia ho gaya tha complete? Namia complete hua ye question? चेक करते हैं कैसे सॉल्व हो गई। एज 20। नेक्स्ट डी क्या हो जाएगा? डी इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। 4 × 19 तो कितना हो गया? 76 + 1 = 77, 77/4। A2 फाइंड कर लेते हैं। A2 इज 77/4, ठीक है। डी क्या हो जाएगा? 77/4 - 20, so this is equal to 77. Okay, ठीक है ना भैया। -80/4, so this is equal to -3/4. So D आपके पास ये आ गया। Now calculate AN. So AN is what? This is 20 plus N minus 1 into D. D is -3/4. Okay, which term of the sequence is first negative term? तो an जो हम फाइंड कर रहे हैं इसको हम पुट करेंगे लेस देन जीरो, क्योंकि हमें नेगेटिव टर्म चाहिए, an लेस देन जीरो होना चाहिए। सो 20 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -3/4 n + 3/4 इज लेस देन जीरो। तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज -3/4 n + टेक एलसीएम 4, दिस इज 80 + 3 < 0, सो दिस इज -3/4 n + 83/4 < 0। अब इस टर्म को शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट साइड, सो -3/4 n लेस देन -83/4। तो 4 रिमूव करना है और -3 रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? 83/3 आएगा, तो फिर वो तो होगा ही नहीं ना। हाँ बच्चे अभी देखते हैं, दिस इज फर्स्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय, हमें 3 और 4 रिमूव करना है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद -4/3 से।
तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस माइनस 4 बाय 3. सर 3 और 4 को रिमूव क्यों कर रहे हैं? अच्छा n चाहिए ना, मैं यहाँ n चाहिए. तो सर माइनस 83 बाय 4 को भी कर सकते हैं. कुछ कंफ्यूजन हो रहा है अभी, एक मिनट मैं पहले कंप्लीट करूँ फिर मैं आपको बताता हूँ. माइनस 83 बाय 4 इंटू, अच्छा हम जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में हमने किया साइन चेंज हो जाता है, सो इंटू दिस इज माइनस 4 बाय 3 और दिस इज व्हाट, ये एन हो जाएगा, एन इज ग्रेटर देन नेगेटिव, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 4 भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, दिस कैंसिल, नेगेटिव कैंसिल, 83 बाय 3 ये आ जाएगा हमारे पास. एन इज ग्रेटर देन, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 to 6 37.6. सो एन शुड बी ग्रेटर देन 27.6. तो जस्ट नेक्स्ट जो नंबर है, सो एन इज इक्वल टू 28 लेंगे. जी मुबशरा बताइए क्या रहा होता आपका? सर आ गया समझ, वो देखा नहीं था. अच्छा ठीक, बच्चे किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है सूरभ करता हूँ, नोट कर लिया ना? टाइप सेकंड सर, तो हमें उसमें टर्म भी बताना होगा, मतलब ए 29 भी निकाल, 28 भी निकालना होगा. नहीं नहीं, उसने सिर्फ टर्म पूछी थी कि हमारी, एक सेकंड, अच्छा विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज अ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हमें सिर्फ टर्म बतानी थी कौन सी टर्म है. अगर टाइम टर्म फाइंड करने के लिए कहते हैं तो हम वो भी कर लेंगे. ओके सर, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, इसमें नहीं कहा था उसको. नेक्स्ट टाइप सेकंड, टाइप सेकंड इज बी ए क्यू ए एंड आर एच टर्म, आर एच टर्म ऑफ एन ए पी ए कॉमा बी कॉमा सी रिस्पेक्टिवली and show that a minus b into r plus b minus c into p plus c minus a into q is equal to 0. Let's try this. Try it, Jibuchi. सर हो गया, 0 आ गया. जीरो आ गया,
आसिया अब्दुल अनुभव हर्षित सर मेरा हो गया था सर मैंने कहा था अच्छा 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 ओके ये हो नहीं रहा नहीं हो रहा नो सर नामिया रशाद यश डन सर So if pth, qth and rth term of an ABR, ABC, then we have to show this one. So सबसे पहले हम pth term find करते हैं. अब इसमें issue क्या है? ABC उसने use कर दिया है. Let करते हैं. Let the first term be A1. ठीक है? And common difference be D. ए नहीं ले सकते हम फर्स्ट टर्म क्योंकि वो यूज कर चुका है एंड कॉमन डिफरेंस भी डी सो वी हैव टू फाइंड द पीएथ टर्म एपी क्या हो जाएगा नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सो ए एन इज व्हाट AP हमें फाइंड करना है AP इज इक्वल टू A1 प्लस P माइनस वन इंटू डी सो दिस वी गेट द pth टर्म और pth टर्म उसने क्या किया इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज A सो ये आ गया A इज इक्वल टू A1 प्लस P माइनस वन इंटू डी सिमिलरली qth टर्म फाइंड करते हैं AQ कितना हो जाएगा A1 प्लस Q माइनस वन इंटू डी So this is equal to B. B is equal to what? A1 plus Q minus 1 into D. Next we have to find R term. AR kitna ho jayega ye? AR is A1 plus R minus 1 into D. So AR is what? C is equal to A1 plus R minus 1 into D. So we get this. A is this, B is this and C is this. ये सारी वैल्यूज है अब हमें करना है कि हमें शो करना है दिस इक्वल टू जीरो सो व्हाट यू हैव टू डू इन प्लेस ऑफ ए बी बी सी सी एंड ए पुट ऑल दीज वैल्यूज ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए देखिए सब कैंसिल हो जाएगा फाइनली जीरो आ जाएगा पुट कीजिए इन प्लेस ऑफ ए बी सी दीज वैल्यूज और देखिए आंसर जीरो आता है ये ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज स्टार्ट कब हुआ अच्छे कौन है ये आशीष हर्षित 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 आज ही स्टार्ट हुआ ओके सर सर एक्चुअली ना वो लास्ट चैप्टर मिस कर दिया मैंने अच्छा अच्छा ठीक है आज ही स्टार्ट किए तो रिकॉर्डेड देखिएगा जो मिस हुआ है आपका बट आप कर सकते हैं अभी क्योंकि हम सिर्फ एपी कर रहे हैं एपी आपने टेंथ में किया So the level increase ho raha hai. We are just doing the questions on the basis of this formula. A n is equal to a plus n minus 1 into b. This. आसिया मुबशरा जानवी जल्दी से शो कीजिए और मुझे बताइए रशाद मुझे प्लीज चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दीजिए सर मेरा तो हो गया था मैंने आपको बता तो दिया था अच्छा अच्छा जानवी सर ओके ठीक है युवराज ठीक है यश
सर हो गया क्या? यस सर, जीरो आ गया। ठीक, हाँ स्टार्ट करें। नेक्स्ट, कोई बच्चे हैं जिनको अभी डाउट है इसमें? बच्चे हैं जिनको डाउट है? हर्षित हो गया कंप्लीट? हर्षित मुझे ना एक्चुअली याद नहीं आप कितनी देर पहले आए थे। मुझे मेरा हो गया था पहले ही। अच्छा हो गया था, ओके ठीक है। सो आई होप सबका हो गया, अगर किसी का रह गया प्लीज मुझे बता दीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट the sum of m plus n and m minus n term of an AP is equal to twice the mth term. Show that the sum of m plus n and m minus n term of an AP is equal to twice the mth term. Please just complete the paper that. Okay, Kasper. Abhi sirf proof. Proof. Okay. Mujhe please chat box pe reply kijiye. Okay, Yash. Check up the word. Sir, Trigo ka jo last ka jo equation hai, ek to general wala solution hai, general solution aur principal solution. To general solution to mujhe aa gaya aur thoda sa bacha hai uska last ka lecture, wo main aaj dekh lungi. Mujhe principal solution samajh nahi aaya, to aap class ke baad bata doge? Haan bachche, class ke baad karwa denge. Principal solution to simple hai, usme kuch bhi nahi. इस डेफिनेशन समझा देंगे आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, यस सर, ओके सर। ठीक है हर्षित, गुड। ठीक है मानस, गुड। युवराज हुआ कंप्लीट? अरे एक बारी करा दो ये प्लीज। Show that the sum of m plus n term and m minus n term of an AP is equal to twice the mth term. So पहले तो हम let कर लेते हैं. Let the first term be a. And common differences. Okay, ठीक है आपसे. And common differences. Then we will find the m plus n term. M plus n term क्या हो जाएगा? A plus m plus n minus one into d. Next find करते हैं m minus n term. तो ये कितना हो जाएगा? A plus m minus n minus one into d. अब इसका sum find कर देते हैं. M plus n plus a m minus n is equal to. इसको add करते हैं. So this is equal to 2. और d कॉमन ले लेते हैं फिर, तो ये कितना आ जाएगा? एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम माइनस एन माइनस वन। ये जो आ जाएगा हमारे पास ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस कैंसिल दिस पार्ट एंड कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एम माइनस टू, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंड डी वन इंटू डी is equal to
टू ए प्लस यहाँ से भी टू कॉमन लेते हैं, टू इंटू डी एम माइनस वन और ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन कंप्लीट कॉमन ले लेते हैं टू, तो यह आ जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, लेट दिस बी फर्स्ट। ठीक है सर, एक बार दोबारा ऊपर से समझा दीजिए। रशद देखिए, हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेट किया, हमने कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जब हम एपी में बात करते हैं और जनरल टर्म को फॉर्मूला पुट करेंगे देन वी नीड ए एंड डी, सो हमने इसको लेट किया, ए एम प्लस एन फाइंड किया। ठीक है रशद, तो बच्चे ये जो था हमारे पास ए एन, वो ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, यहाँ हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, एम प्लस एन। रशद क्लियर हुआ था? Yes, sir. हमें m plus n टर्म चाहिए, तो हमने क्या करा, in place of n ये टर्म पुट कर दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें फोर टर्म चाहिए, फोर, तो हम क्या करेंगे, in place of n फोर्थ पुट करेंगे। Yes, sir, समझ गया। तो हमें m plus n चाहिए, हमने वो पुट किया। हमें और क्या चाहिए, m minus n चाहिए, हमने वो भी पुट कर दिया। We get this. उसने क्या कहा, show that the sum of this and this, इन दोनों टर्म का सम, तो हमने दोनों टर्म को एड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए टू ए हो गया, प्लस यहाँ से हमने डी कॉमन ले लिया डी, उसके बाद एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम माइनस एन माइनस वन। रशद इतना क्लियर हुआ सर? ये वाला कैसा आया, ये वाला पार्ट बच्चे इसको ना खुद कीजिए, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, टू ए, ये आ गया, यहाँ क्या किया, डी कॉमन ले लिया। अच्छा ओके, एक्चुअली मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो गया। अच्छा सर, समझ गया सर, समझ गया मैं, समझ गया। एक्चुअली में मुझे ये लिखना चाहिए था, सो एम प्लस एन माइनस वन डी प्लस ए एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ऋषभ, ए प्लस ए तो टू ए आ गया, फ्रॉम दिस टर्म एंड दिस टर्म डी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया एम प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस एन माइनस वन। नाउ अब देखिए, ये प्लस एन था, ये माइनस एन था, कैंसिल हो गया, टू ए प्लस एम प्लस एन टू एम माइनस वन माइनस वन टू, तो ये आ गया टू ए प्लस टू डी और यहाँ ब्रैकेट में बचा एम माइनस वन, सो प्लस एम माइनस एन इज इक्वल टू, कंप्लीट से अब टू कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। रशद समझ में आया था? यस सर समझ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि इज इक्वल टू ट्वाइस द एम एच टर्म, तो हम देख लेते हैं एम एच टर्म क्या है। एम एच टर्म इज ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए ये किसके इक्वल था, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और रशद ये क्या है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये क्या होगा, रशद ये क्या होगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी सर, ए एम, ए एम है, तो हम ये लिख सकते हैं ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन इज इक्वल टू, ये तो टू हो गया, एंड इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट ए टू द ए एम। ठीक है, ये मैं प्रूफ कर रहा था, क्लियर हुआ? यस सर समझ गया। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फिर वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। क्वेश्चन इज If the pth term of an AP
p a term of an ap is q, q a term is p, then prove that its nth term is p plus q minus n. एक ए पी है जिसकी पी ए टर्म क्यू है, क्यू ए टर्म पी है, यू हैव टू प्रूव एन ए टर्म इज पी प्लस क्यू माइनस एन. प्लीज ट्राई दिस. अप्रूव्ड. डन. मुझे किसका हो गया कंप्लीट? हर्षित. हर्षित, ओके हर्षित, गुड. ठीक है मानस. अभी सिर्फ दो बच्चों का हुआ है और सब. अच्छा, मुझे चैट बॉक्स पे प्लीज रिप्लाई करते रहिएगा जिन भी बच्चों का हो रहा है. वाला एक बार करा देना. करा दें? हाँ. किसका डाउट है बच्चे? आसिया? यस सर. अच्छा, हिंट देते हैं ना, उसके बाद आप ट्राई कीजिए. आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? अप्रोच क्या थी? कैसे स्टार्ट किया इसको? सर मैंने एपी माइनस ए क्यूब किया है. बिल्कुल ठीक है. देखिए एपी क्या है हमारा. एपी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख देते हैं. पी ए एन इज इक्वल ए प्लस प्लस q p माइनस 1d. ओके, आपने ap फाइंड किया. दिस इज a प्लस p माइनस 1 इनटू d इज इक्वल्स टू q. यस सर. a प्लस p माइनस 1 इनटू d एक्चुअल में जो था दिस इज इक्वल टू q. यानी aq जो था दिस इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इनटू d. सो दिस इज व्हाट, a प्लस q माइनस 1 इनटू d व्हिच इज इक्वल टू p. ओके, आसिया अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया. सबट्रैक्ट कर दिया, ए कैंसिल हो गया. तो वी हैव यस सर, पी माइनस क्यू बी आ गया. पी माइनस क्यू, गुड. अब नेक्स्ट स्टेप फिर ठीक है नामिया, गुड. फर्स्ट पर ठीक है. डी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? हमारा ये पी माइनस क्यू नहीं आ रहा. चलिए फिर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, देख लेते हैं उसको. तो वो d से d कैंसिल हो जाएगा और a से a, तो p माइनस q बचेगा. p माइनस q इनटू d माइनस 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 दिस पार्ट कैंसिल. ठीक है, ये इसको हम कैसे करते हैं? ये दिस इज p माइनस 1 इनटू d माइनस q माइनस 1 इनटू d व्हिच इज इक्वल टू q माइनस p. ठीक है, अब यहां से टेक कॉमन, d कॉमन ले लीजिए. ये कितना आ जाएगा? p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी. तो वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी, ये हो गया पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये हो गया क्यू माइनस पी. ओके, सो डी इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लेते हैं माइनस है, सो दिस इज पी माइनस क्यू, और ये भी आ गया पी माइनस क्यू, तो ये आ गया डी इज इक्वल टू माइनस वन. आसिया क्लियर हुआ? क्या मिस्टेक हुई है? यस सर. ऐसे करना है उसको ना, डायरेक्टली यहाँ सबट्रैक्ट मत किया करिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है. सो टेक डी कॉमन, आफ्टर दैट उसको सॉल्व. तो हम आरएचएस में भी सबट्रैक्ट करेंगे. क्या नहीं करेंगे बच्चे?
RHS में भी सबट्रैक्ट करेंगे Q माइनस P भी मैंने एक ही किया है दोनों को करेंगे ना ये यहां सबट्रैक्ट होगा ये यहां सबट्रैक्ट होगा ओके सर सर इसके बाद क्या करना है जब डी आ गया तो सर ये Q माइनस P कैसे लिखा आपने जानवी बस अभी बताते हैं जस्ट हमने जी ऐसे डी आ गया हमें क्या फाइंड करना था एनए टर्म तो एनए टर्म के लिए हमें क्या क्या चाहिए डी तो आ गया और ए ए कैसे आएगा ए वैल्यू डाल देंगे वैल्यू पुट कर देंगे पुट कर दीजिए जी जानवी जानवी क्वेश्चन क्या है आपका सर यहाँ से एक बार कैलकुलेशन समझा दो प्लीज बच्चे इतना क्लियर वो ए पी ये था ए क्यू ये था Yes, यहाँ से समझा दीजिए डी को आपने जब कॉमन लिया तो एपी हमारा क्यू था और एक्यू जो था हमारा दैट इज पी ये हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी अब हमने इसको सबट्रैक्ट कर दिया ठीक है तो ए कैंसिल हो गया पी माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस डी वो हमने यहाँ लिख दिया जानवी पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी एंड दिस इज इक्वल टू क्यू माइनस पी ये आ गया जानवी क्लियर हुआ इतना याद है ठीक है इसके बाद कैलकुलेशन खुद कीजिए तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा तो बस यहाँ पे डी कॉमन लेना डी कॉमन लीजिए देखिए सॉल्व हो जाएगा सर एन आ रहा है क्यू प्लस पी माइनस एन प्लस टू नहीं बच्चे टू तो नहीं आएगा एन आइटम इज पी प्लस क्यू माइनस एन ये प्रूफ करना था सर तो फिर टू क्यों आ रहा है हाँ मैं कैलकुलेशन फिर डी आपके पास आ गया नाउ पुट डी इज इक्वल टू वन सॉरी माइनस वन पुट डी इज इक्वल टू माइनस वन इन एनी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ ठीक है ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू तो इसका मतलब ए माइनस पी माइनस वन इज इक्वल टू क्यू इसको शिफ्ट कर देते हैं ए इज इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस वन We get this. A की वैल्यू आ गई हमारे पास दिस कंप्लीट क्यू प्लस पी माइनस वन ठीक है अब yes, sir. An. An is what? A plus n minus 1 into D. D. An is equal to what is A? A था हमारे पास P plus Q minus 1 plus n minus 1 और D क्या पुट किया आपने आपने यही मिस्टेक कर दी माइनस वन माइनस वन बस आपकी जो मिस्टेक थी वो यही थी ऋषभ 9 o'clock an is equal to ये हो गया p plus q minus 1 minus n plus 1 an हो जाएगा p plus q देखिए 1 कैंसिल हो जाएगा minus ओके सर यहाँ मिस्टेक जानवी हो गया कंप्लीट यस ओके बच्चे और किसी को डाउट है किसी बच्चे को डाउट है इसमें नहीं ठीक सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइप इज टाइप थर्ड सम ऑफ n terms of an AP. Of an AP. Okay. Sum of n terms of an AP. So, हमारे पास formula क्या होता है? वही tens में जो formula था. Sn is equal to n by 2, 2a, प्लस एन माइनस वन डी प्लस एन माइनस वन इनटू डी और भी फॉर्मूलेज हैं एपी में भी कुछ और जनरल टर्म में भी फॉर्मूलेज हैं तो उसे हम बाद में करेंगे ठीक अभी डायरेक्ट फॉर्मूलेज वाले क्वेश्चंस कर रहा हूँ एन हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ टर्म ए क्या था हमारे पास फर्स्ट टर्म डी क्या था हमारे पास फर्स्ट टर्म डी क्या था कॉमन डिफरेंस common difference
फर्स्ट टर्म एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस. सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एपी है सपोज 2, 4, 6, 8 एंड 10, हमें इसका सम फाइंड करना है ना, तो हम यूज करेंगे दिस फॉर्मूला. कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एस 5 इज इक्वल टू 5 बाई 2, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए का मतलब 2 इंटू 2, प्लस 5 माइनस 1, इंटू डी कितना हो जाएगा 2, इज इक्वल टू 5 बाई 2, दिस इज वॉट 4, प्लस कितना हो गया 8, दिस इज 5 बाई 2 इंटू 12 कितना हो गया 30. ऐड कर लीजिए ये आ रहे 30. यस सर. ठीक है बच्चे, तो ये बस एक एग्जांपल दिया कि ये फॉर्मूला यूज कैसे हो. तो इसमें अगर कोई भी ऐसी टर्म है जो आपको समझ में नहीं आ रही है बता दीजिए, अदरवाइज विल स्टार्ट द क्वेश्चन. Write a question. Find the sum of 20 terms of an AP 1, 4, 7, 10 and so on. Find the sum of 20 terms of an AP 1, 4, 7, 10 and so on. Chaliye sir, bache, let's answer this. Answer bilkul theek hai. Harshit ka sabse pehle aa gaya answer. 590 sir. Theek hai Shakir, okay Rashad. Aur sabhi bache please mujhe chat box mein bataiye. बिल्कुल ठीक है जानवी, आंसर इज 590. आसिया 590 है ना, आंसर इज 590. यस सर 590 आ गया. बिल्कुल ठीक है, जस्ट सब आंसर्स मुझे बताइए चेक बॉक्स पे. अब्दुल आपको शायद नहीं मिला मुझे आंसर. अनुभव, नामिया, व्हाट्स योर आंसर. रशाद, कुछ रशाद का आगे. ठीक है आसिया, ठीक है अब्दुल, मामिया वुड्स आंसर. युवराज हो गया था ये, ओके ठीक है नामिया. युवराज कंप्लीट हो गया था. Raj, complete work. No reply. So I hope सबका हो गया complete. Next एक और formula हम drive करते हैं. We have this formula. Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sn is equal to n by 2, in place of this 2a we can write a plus a plus n minus 1 into d. Now Sn is equal to, this is n by 2. Now ye hame pata hai, ye a plus a n a plus a. Isko hum ye bhi likh sakte hain, Sn is equal to n by 2 a plus l. So l is the last term. जब भी हमें लास्ट टर्म का सम फाइंड करना होगा, फर्स्ट एन टर्म, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 अप टू ये मान लीजिए 20th टर्म तक है, 20th टर्म, तो हमें जब एस 20 फाइंड करना है हम यूज कर सकते हैं दिस फॉर्मूला n बाई 2 ए प्लस एल. अगर हमारे पास लास्ट टर्म भी है
ए एन जो होगा हमने लिख दिया लास्ट टर्म, कि अगर हमें लास्ट टर्म का सम फाइंड करना है फर्स्ट लास्ट टर्म, then we can use this formula, SN is equal to n by 2 a plus a. ये भी हो सकता है, n हम 20 पुट कर देंगे, ये भी हो सकता है, और हम ये भी कर सकते हैं, अगर L given है, we have the choice, दोनों formula हैं हमारे पास, we have the choice, कि हम इसको भी use कर सकते हैं, हम इसको भी use कर सकते हैं, clear वो? बच्चे इसको जल्दी से note कीजिए, question देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ये formula हम क्यों use कर रख कर दें, नोट कर लिया सबने? यस सर। तो बच्चे ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 5 + 13 + 21 + 180. Find the sum of this. मानस बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले मानस का आंसर आया बिल्कुल करेक्ट, देन हर्षित ठीक है, कस्पेल बिल्कुल ठीक है आंसर, अनुभव बिल्कुल ठीक है, नहीं सॉरी अनुभव आंसर इनकरेक्ट, आंसर इज प्लीज कैलकुलेशन चेक कीजिए, आंसर इज 2139, दिस इज आंसर, यश बिल्कुल ठीक आंसर, सर एन की वैल्यू क्या रखेंगे, हमारा आंसर तो 181 डिवाइड बाय 93 आ रहा है, हां बच्चे एन प्रॉब्लम कर रहे हो, आसिया बिल्कुल ठीक है, रशाद कैलकुलेट करके बताइए मुझे व्हाट्स आंसर, ठीक है एन हमारे पास कैसे आएगा, देखिए टोटल टर्म्स ये हैं 5, 13, 21, लास्ट टर्म ये 181, तो हम ए एन फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू डी, तो यहाँ से एन फाइंड करेंगे, 181 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना हो जाएगा 13 माइनस 5, ये कितना होगा 8, फाइंड कर दीजिए, अनुभव ठीक है, रशाद कंप्लीट कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, नहीं रशाद ये आना चाहिए, रशाद 2139 आना चाहिए, रशाद एन कितना रहे, n की वैल्यू 149 अपॉन 8 आ रही, 149 बाय 8 नहीं बचे, वो तो n हो गई, नहीं फिर नहीं ये तो नहीं हो सकता रशाद, n कांट बी डेसिमल, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्या कर देंगे 181 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू 8, तो ये कितना हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर दीजिए, 176 इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू 8, n माइनस 1 कितना आ जाएगा, सो वो 180 लिखा है, 181 लिखा है आगे लास्ट में, जी बच्चे 181, ओ अच्छा सर मैंने 180 ले लिया गलती से, तो तभी गलत आ गया, ओके ओके ठीक है इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 to 16 16 8 to, n minus 1 is equal to 22, n आ गया आपके पास 23, and 23 आ गया, चलिए 2139 आ गया बच्चे, बिल्कुल जनरी कैलकुलेशन चेक कीजिए, नामिया व्हाट इज आंसर, ठीक है रशाद बिल्कुल ठीक है,
ठीक है ना मैम, बिल्कुल ठीक है। मुझे किसी को डाउट है इसमें? हो गया सबका कंप्लीट? जानवी हो गया था कंप्लीट? ठीक, लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास ओवर करते हैं। लास्ट इज फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ all three digits natural numbers which are divisible by 7, which are divisible by 7. ये लास्ट क्वेश्चन है, क्लास ओवर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सीक्वेंस चाहिए, हमारे पास तो सीक्वेंस ही नहीं है, फिर हम फाइंड करेंगे। सो मुझे बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगी, थ्री डिजिट नंबर, फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7। 112। बिल्कुल ठीक है शाकिर, मुझे क्या आंसर बताया अभी? 100। फर्स्ट डिजिट 112। नहीं बच्चे, 7 सबट्रैक्ट कर दीजिए 12 में से, उससे लोएस्ट टर्म मिल गई आपको। 7 सबट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा? 105 है ना, ये भी डिवाइड होगा। अगर 112 आपने ठीक बताया तो ये भी होगा। ओके 105, फिर उसके बाद 112 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म मुझे भी बताएगा, व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस? 994। ये बच्चों ने बताया, शाकिर ने बताया 994 इज द लास्ट टर्म। देखिए 7 से डिवाइड हो रही है, तो 105 कैसे आ गया? हम बच्चे हमें थ्री डिजिट नंबर चाहिए है ना, तो हमारा नंबर स्टार्ट होगा 100 से, 100 101 102 up to 999। ये हमारे नंबर्स हैं, हमारे पास जो ऑप्शन। तो हमें ऐसे हर नंबर को करके देखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं? आप अभी बता रहे थे ना माइनस करना होगा। नहीं 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 बच्चे, अभी देखिए हम इसमें कैसे करेंगे, हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले तो थ्री डिजिट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही करना है, उसके बाद हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। यानी इसका मतलब ये कि 98 जो था वो 7 से डिविजिबल है। जानवी इतना क्लियर हुआ? 100 डिवाइड किया सो 98 डिविजिबल होगा क्योंकि रिमाइंडर है 2। तो एक नंबर हो गया 98, बट हमें ये नहीं चाहिए बिकॉज देयर इज अ टू डिजिट नंबर। 7 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 105। ओके सर, सेम 1000 में करना है हमें, 1000 तो नहीं है, 999 है। 999 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 717। बिल्कुल ठीक है हर्षित, सबसे पहले खसपल का आंसर आया, फिर हर्षित। ओके गुड, 7 4 28 19 7 2 14। तो रिमाइंडर इज 5 रिमाइंडर है, 999 से सबट्रैक्ट कर दीजिए 5 994 आ गया। अनुभव आंसर इज, फाइनल आंसर इज 7036। बिल्कुल ठीक है शाकिर अब्दुल, बिल्कुल ठीक है आंसर। इसी लास्ट क्वेश्चन था, डाउट्स हैं अभी। अच्छा आपके पुराने मैंने नहीं देखे, अभी मुझे ना इनको बताना था,
इसमें मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसके बाद देखूं। वही था जो आपने मुझे सेंड किया हुआ था। बिल्कुल ठीक है ऋषभ। ठीक है, और जो सबका कंप्लीट हो गया, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ अभी? अनुभव सेम है, सबको दिया है नंबर, तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैं अभी दोबारा सेंड कर रहा हूँ। ओके, कस्पिल कोई इशू नहीं है। मुझे सेंड कीजिए, ठीक है कस्पिल, मैं रात में देखता हूँ। चलिए बच्चे, हो गया ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट। किसी को डाउट है जस्ट गिव मी अ मिनट, होमवर्क आपके लिए। जी सर, आप मॉर्निंग में क्या पढ़ाएंगे? अच्छा हाँ, मॉर्निंग में भी मुझे डिस्कस करना है बच्चे। मॉर्निंग में मैं इसके बाद कंटिन्यू करूंगा। कल तक होमवर्क हो जाएगा? मॉर्निंग तक पहले मैं होमवर्क दे दूं, फिर हम बात करते हैं, ठीक? ओके अर्शित, यू वेलकम। ठीक है, मैं पहले होमवर्क देता हूँ आपको, फिर हम देखते हैं कि कल मॉर्निंग तक होगा या नहीं। अदरवाइज क्लास लेने का फिर कोई एडवांटेज नहीं है। सर एक्सरसाइज 5.1 तक? हाँ, मैं भी पहले होमवर्क दे दूँ, फिर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है? दो मिनट अभी मैं चाहिएगा। होमवर्क इज दिस एक्सरसाइज 9.1, देन 9.2, 9.2 में है क्वेश्चन नंबर 1 to 13। After this, after those, miscellaneous, हर्षित मैं बस अभी बात करता हूँ। ठीक जी, हर्षित कर दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको तो ये कल अगर मॉर्निंग तक हो जाएगा फिर हम क्लास करेंगे, वरना कोई एडवांटेज नहीं है। अच्छा, हो पाएगा ये कल तक? सर ये तो कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस हैं, ये ज्यादा ही हो जाएगा, है ना? फिर ऐसे करते हैं, ट्यूसडे क्लास करते हैं, ठीक है? यस सर, ट्यूसडे हम करते हैं 7 AM मॉर्निंग में। कल आप ये कीजिए। अच्छा, होमवर्क ये हो गया, प्लस टाइम मिलता है तो एग्जांपल्स देख लीजिएगा। असाइनमेंट्स ट्यूसडे हम अपलोड करवाएंगे, ठीक है, इवनिंग तक। उसके बाद असाइनमेंट्स कीजिएगा, ठीक? मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है, जब फर्स्ट पार्ट हो जाए फिर सेकेंड पे जाना है। तो पहले तो इतना ही करना है, ये हो जाए तो एग्जाम्पलर्स और असाइनमेंट्स, ठीक? एक मिनट शाकिर, वेडनेसडे नहीं करी थी हमने क्लास? बच्चे एक मिनट रुकिएगा, शाकिर वेडनेसडे नहीं की थी? वेडनेसडे 7 o'clock।
अच्छा मैं फिर एक बार और चेक करता हूँ, ठीक है चेक। चलिए ओके बच्चे, ट्यूसडे क्लास है, ट्यूसडे 7 o'clock, 7 AM मॉर्निंग में, मिस मत कीजिएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर कंटिन्यू। सर सर सुबह ट्यूसडे को सर टफ होगा, हमारी केमिस्ट्री क्लास होती है। हाँ जी अर्शद सर, मॉर्निंग ये 7:30-7:45 में हमारी केमिस्ट्री क्लास होती है। अर्शद आपकी ना लास्ट में वॉइस ब्रेकअप हो जाती है, क्या कह रहे हैं? वॉइस नहीं है मुझे आपकी। आपने 10th में भी यूज़ की होगी, तो उनके जो लिखने का मेथड है वो 11th में भी वही रहता है ना, तो कुछ न्यू नहीं होगा आपके लिए, आपको पता है कैसे क्वेश्चन अरेंज कर, तो वो भी ठीक है। अच्छा हर्षित मैं आपसे भी बात करता हूँ, ठीक है बच्चे क्लास ओवर करते हैं, ट्यूसडे 7 o'clock होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। हासी आप रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा हर्षित आपकी कितने टाइमिंग क्या रहता है हर्षित क्लास का? सर यही 7:30-7:45 अप्रॉक्स रहता है।